17 सितंबर की तारीख को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस मौके पर फिर प्रधानमंत्री अपने सभी देशवासियों को खास तौर पर जन्मदिन पर रिटर्न गिफ्ट जरूर देंगे। ये बातें हो रही है कि 600 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तो बीते साल की बात थी, 68 साल के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए थे तो उन्होंने इसी तरह से अपने जन्मदिन पर सभी को रिटर्न गिफ्ट दिया था। खैर, इस बार वो फिर से सबके बीच अपना खुशियां साझा करेंगे। आने वाले समय में अपने जन्मदिन पर वो स्कूलों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बीच बातें करने वाले बच्चों से फिर मिलेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है। खैर, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी 10 बड़े राज हम आपके बीच खोलने वाले हैं। वो 10 अननोन फैक्ट्स बताएंगे हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए, जो उनकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, उनकी जिंदगी के खास गहरे राज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन उत्तराखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गहरा लगाव रहा है और उत्तराखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबंध काफी पुराना माना जाता है। जी हाँ, योग और अध्यात्म के लिए यहाँ की भूमि की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमालय की कंदराओं में साधना भी की थी। प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने साधना में अपना काफी वक्त गुजारा था। ऐसा माना जाता है कि 5 साल उन्होंने साधना में गुजारा था। जी हाँ, गरुड़ चट्टी के नाम से वो जगह जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम के बारे में तो आपको मालूम है, वहां से स्थित है वो, नजदीक है वो, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तपस्या भी किया। और बात की जाए 2 किलोमीटर नंगे पांव चलकर बाबा केदारनाथ के दर्शन की, तो हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केदारनाथ को काफी ज्यादा सम्मान देते देखा गया है, भक्ति में डूबे हुए कई बार उन्हें देखा गया है। खैर, यहाँ बात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो आपको ये भी बता दे कुछ टाइम बाद यहाँ से वो चले गए थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां से दूरियां बनाई थी, लेकिन केदारनाथ से उनका आना जाना कभी भी कम नहीं हुआ। बात अगर बीते साल की जाए तो केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने दिनों को याद भी किया था और ऐसा भी उन्होंने कहा था, एक दौर था जब वो यही रम गए थे। शायद बाबा केदार की ये इच्छा नहीं थी कि वो हमेशा यहां रहे, इसलिए उन्हें आगे बढ़ना पड़ा। ये बात उन्होंने काफी समय बाद की थी, बीते साल 1985 से लेकर साल 1990 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरुड़ शट्टी में जीवन के महत्वपूर्ण साल बिताए भी थे। ये भी कहा जाता है कि वहां पर वो तपस्या में काफी लीन रहा करते थे। प्रधानमंत्री जिन्हें चाय वाला से लेकर झाड़ू करने वाला तक कहा जाता है, उनकी तमाम ऐसी तस्वीरें वायरल होती रही हैं जो उनके युवा दिनों के, युवा समय के संघर्ष से जुड़े रहे। बात अगर साल 2013 की जाए तो यहाँ पर केदारनाथ आपदा को लेकर गरुड़ चट्टी के केदारनाथ से पूरी तरह से हटाया गया, जिसके बाद पीएम मोदी ने निर्देशों से अपनी तरफ से जीर्णोद्धार किया था। यहाँ साल 2013 की अगर बात की जाए तो उस बारे में सभी जानते हैं कि वो साल बिल्कुल सही नहीं था केदारनाथ के लिए। खैर, आपदा की वो बात थी, यहाँ बात अगर की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ से लगाव को लेकर, तो एक आधुनिक गुफा तैयार की गई थी जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग, ध्यान, मेडिटेशन और आध्यात्मिक शांति के लिए सुविधाएं जुटवाई थी। ये भी कहा जाता है कि वहां गुफा में तो टॉयलेट, बिजली और टेलीफोन जैसे आधुनिक सुविधाओं को भी ध्यान रखते हुए व्यवस्था बेहतर की गई थी, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास तौर पर समय बिताना हमेशा ही पसंद रहा है। नेक्स्ट 9 लाइव से तृप्ति की रिपोर्ट।